तो ये वाला अभी ले लिए हैं, अभी ये वाला चौकी लिए हैं नया, क्योंकि अभी ना हम पीछे वाला घर में काम लगाने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, काजल को बोला हूँ थोड़ा सा गाड़ी को साइड करने के लिए, कर दो। हमारा जो सबसे नजदीकी घर है ना यहाँ तक, उसके बाद से उधर घर है सारा, और इधर एक भी घर नहीं है, आप लोग देख सकते। दोस्तों हमारे ब्लॉग वीडियो पर बने रहिएगा, आशा है कि आप सब बने रहेंगे। उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज ना हमारा तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बेड पर ही पड़े हैं, कहे तो मानसिक पापा आज खाना वाना बनाया है, क्योंकि हम कुछ नहीं किए ना, तो सुबह से हमारा ब्लॉग, इसलिए अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी जस्ट मैं नहा लिया हूँ, और मैं अभी थोड़ा सा उठ के खाना खाई थी, और मानसिक पापा का कपड़ा ना बहुत सारा ऐसे मतलब सही से नहीं है, अंदर रखते ना अलमीरा में, तो वो थोड़ा सा जैसे ऐसे ना हो जाता है, घेचुरिया में चिड़िया गया है, तो नोएडा ली हमने ये निकाला है। तो आयरन जो नोएडा में मैंने काजल को गिफ्ट किया था, वो भी वीडियो होगा ना, गिफ्ट किए थे काजल को, तो यही आयरन अभी निकाले हैं। काजल हमको आयरन करना नहीं आता है, जा लाल के हो भाई, मेरे कपड़ा जला दिया। तो चलिए इस प्यारा का, और हम प्यारा दोस्तों खुश भी हैं थोड़ा थोड़ा, काहे हो, क्योंकि आप लोग को भी कोई खुशखबरी मिलने वाली। ओह माय गॉड। तो चलिए दोस्तों जो है सो आगे व्लॉग में मिलेगा देखने को, एंड चलिए इस प्यारा सा व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज हो जाए ना डेली राउर आना जाना। अच्छा लागल रहता है। अच्छा ये मतलब कि आयरन होता है कि प्लास्टर होता हमको नहीं आता है दोस्तों। दिल पे हाथ धो के देखा ये का कहता, धर धर ना। तो अभी तो दोस्तों मानसी अभी उस वाले घर पे गई है। दोस्तों ये लॉलीपॉप ना मानसी रखी थी उधर, कभी खरीदवा के लाई थी तो इधर ही रखी थी, तो मेरे को मिल गया तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं। नहीं वो रख देती है ऐसे ही मानसी, नहीं भूल जाती है, ज्यादा चॉकलेट देना भी ठीक नहीं। हाँ इसलिए हम खाते रहते हैं ताकि मानसी को ज्यादा खाना ना पड़े। कितने रुपए ले रही हो उसका एक कपड़े का प्रेस करने? 15 रुपया। अच्छा धोबो कर लो, जितना पड़ल वो सब धो दो। हाँ दोस्तों बहुत सारा धो लो, देखिए कैसे बोल रहे, नहीं बोले तबीयत खराब है तारी का, पूरा कपार दर्द कर रहा है, कॉर्नर ओवर पूरा बॉडी दर्द। मतलब कि हम मतलब जेंगे तो बहुत, हम तो मजाक कर रहे हैं सबको जानता है ना, वही चीज के ये ऐसा बोलेगी ना, देखिए कैसे बोल रहे हैं दोस्तों तबीयत खराब ये ना कर दे, तो हम तो मजाक ही करते हैं, बाकी काम तो सारा करते ही हैं, बताओ ना करते हैं तो बताओ क्या करेंगे। हाँ रात भर मानसी को मैं देखता हूँ, दूध गर्म करके रात भर पिलाता हूँ, रह दो ढेर मत अथी कर एकदम दर कच रहल भरी। ये मेरा वाला टी शर्ट एक इधर पड़ा है काजल, हाँ ये काहे खटिया पर रखल बड़ू। तो दोस्तों कैसे भी करके कर दिए हैं तो हे रहे हैं बबुआ जी, बबुआ जी अच्छा लगा था पहले से जी, लाइक आई माय देख रहा दोस्तों की अच्छा लगा। अच्छा तो चलिए अभी मानसी के पास चलते हैं और निकाल दे मैंने पलाव, का कर रहल बाड़ू मार्जन है थोड़ा सा दोस्तों मैं आंख में लगवा लो। मानसी देखो काजल कराने के डर से मेरे को कह रहे कि पापा को क्यूट बनाओ, यानी पापा को काजल लगाओ, ये वाला अच्छे से करवा लेना ललन के वो जी 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 ललन बनाओ, ठीक है दो ललन बेबी बन गई ललन ललन लिए ठीक है। अच्छा है हाँ। बोलो थैंक यू थैंक यू के नाखून काट दे बेटा, नाखून कटवा लो, नाखून कटवा लो, नाखून नहीं कटवाएगी मेरे को गुदगुदी कर रही है बेटा। तो बेटा आपके नाखून में जम्स आ जाएंगे ठीक है हाँ। हाँ, इसको यहाँ पर काटने दो, यहाँ रखेंगे ओके, बाहर फेंकेंगे हाँ। बोलो तो दो पहले काटने दो नाखून, हाँ बाहर फेंक दूंगी। मानसी का नाखून कटा रहा है हाँ। तो मानसी के नाखून में जम्स है हाँ। बोलो जाम से पढ़िए लालन वन टू वाओ अच्छा है तो मैं अच्छा फील हो रहा है, साफ हो गया हाँ साफ हो गया, जम गया जाम से चला जाएगा, साबुन से हाथ धो लेना नाखून काटने के बाद
अरे मानसी को खांसी हो गया? नहीं, ललन को खांसी नहीं हुआ है, दो में साफ। दवाई पीने के डर से बोलते रहते कि खांसी नहीं हुआ। पापा कहाँ बेटा, कहाँ चल रहा है? पापा, चले पापा। कहाँ जाना है बेटा? चलो सब्जी देखने चलो। बाहर सब्जी? चलो चलो, हाँ शूज पहन ले रहे हैं। चलो ललन का नया शूज, रेड शूज। चलो तो अभी चल रहे हैं हम नया वाले घर पे, और एक जो है गुड न्यूज देना है आप सबको, है ना पुतुल? तो ओकरा धोबू तब नु हो डेली राउरा न जाना लागल रहता, दिल पे हाथ धके देख का कहता। यहाँ से हमारा गांव कितना अच्छा लगता ना, यहाँ से हमारा जो सबसे नजदीकी घर है ना यहाँ तक है, उसके बाद से उधर घर है सारा, और इधर एक भी घर नहीं है आप लोग देख सकते हैं, बाकी ये पेड़ है। फर्स्ट में हम लोग, कोई भी चोर आएगा सबसे पहले हमारा घर चूज करेगा, कहेगा चलो ये बेटा वो देखो काली है मानसी, नाखून काटने वाला का जो गोभी, गोभी रोको ना, अभी गोभी देख सकते हैं मतलब कि पानी दिए थे ना तब से बहुत बड़ा बड़ा हो गया। काजल उधर से कंप्लेंट आ रहा था, ज्यादा पानी मत मारा करो, सारा धान में घुस गया पानी इधर से, इधर से कंप्लेंट आ रहा था ये वाला खेत से कि इतना पानी इस पे दे दे रहे हो ताकि हमारा धान भीग जाए। चूहा होल कर दिया इधर से, देखिए ना ये देखिए, ये चूहा होल किया उधर, सारा चूहा होल कर दिया, तो वही वाला आ रहा है कंप्लेंट, है ना वही से पानी घुस जा रहा है, देखो ना 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 वो कटवे ना करे, जब वो उतना उनका मैं बोले ना कि जोर से उतना दबी है। हाँ बेटा बोल दे, मानसी फायर फाइटर, ललन फायर, ये फायर फाइटर इतना हेवी तरीके से बोलते हैं ना, ऐसे बोलेगी फायर फायर, इतना मतलब कि फास्ट बोलती है ना, बोलो बेटा फायर फाइटर, फायर फायर, गुड डे, गुड। इधर सारा धान वन काटा जा रहा है देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कट भी गया इधर सारा। आप लोग बोलते हैं कि गांव का एरिया दिखाओ, तो आज देख लीजिए यही जंगल, मतलब गांव से बाहर हम लोग रहते हैं। वो एयरटेल का टावर है हमारे पास, और इधर सारा इस पे वो पहले ना काजल उस पे से जामुन तोड़ के खाते थे, उस पे भूत भी रहता है ना, घर एक छत बन जाएंगे तो एकदम नजदीक ही लागी जगह। हाँ डर भी लगेगा, छत पे सो जाएंगे, डर नहीं लगेगा छत पे? होगा होगा हम है ना। और ये देख सकते हैं सूरज भगवान ढलने जा रहे हैं, सपना पूरा होगा, किसी भी सपने को नहीं तोड़ रहे बेटा। ललन मेरी एकदम दरार पकड़ के आते हैं, ये बोलते हैं पापा सबसे तोड़ो। हाँ हाँ, नहीं 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 तोड़ो बेटा, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, सॉरी बोलो, सॉरी। हाँ मानसी का पैर धुला रही है काजल, अभी काजल ना बाइक सीख रही थी, हमको स्टार्ट करना और बंद करना बता ही नहीं रहे, स्टार्ट कर ली थी, ठीक है स्टार्ट करा दिए, कह रहे कि बिना एक्सीलेटर लिए क्यों बढ़ रहा है आगे, कलच छोड़ने पे कह रही है तो एक्सीलेटर लेना पड़ता है। हाँ, मेरे को मतलब होंडा वाला, मतलब हाथी वाला नहीं, इसमें अपाची में थोड़ा सा रेस देता है पहले से एक्सीलेटर, पहले से मतलब की करीब अगर चार नंबर या पांच नंबर लगा छोड़ो ना, तो वो आराम से 20 के स्पीड अपने आप चलता रहेगा बिना एक्सीलेटर लिए, तो वही रेस की बस चल रहा था, ये कह रहे अभी भी पैर कहाँ पर है, उतर के भाग है, हम दिखा नहीं पाए तो कोई कैमरा करने वाला नहीं था, अब मैं नहीं रहता इनके पास तो गिर ही जाती लेके, इसलिए सड़क हमारे यहाँ का अच्छा नहीं है। हाँ सड़क सीखना उचित नहीं समझे, सड़क भी अच्छा नहीं है ना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे है एंड अभी सुबह सुबह 7 बज रहा है, काजल अभी इतना सुबह सुबह नहा लिए, कपड़ा धो रही थी, और मानसी भी उठ गई है, हम भी उठ गए हैं, और अभी धूप मांग रही है मेरे से, धूप लाने के लिए पूजा करेगी। बेटा दूध कहाँ गई? अभी इसमें धूप लाए और चीनी,
देख रही थी मानसी और कुतुल को देखो, थोड़ा सा रील्स बनाना है, पूजा भी करेंगे नहा रहे पहले कॉल है तो पूजा तो आपका जरा तू तो मानसी इसमें ढूंढ रही थी दूध और करे और दूध कहाँ गई मामा, दूध कहाँ है सूट सही है पहल बेटा पूजा कर लें तो फिर गोदी आ जाना ओके चाय मिला है गरम गरम मजा आ गया सी दूध चावल खा रही है ना क्या खा रही हो दूध चावल बोलो थैंक यू थैंक यू दोस्तों अभी आओ बेटा आ जाओ ना ना पहले ही कहली गिरम जा अभी चौकी खरीदना है हमें चौकी वाला आए हैं क्योंकि अभी ना हम पीछे वाला घर में काम लगाने वाले हैं तो चौकी सबसे ज़्यादा जरूरी है तो चलिए अभी देखते हैं चौकी वाले आए हैं द्वार पे देखते हैं कैसा है आराम से नौ सौ में दे दा करेगा तो ये वाला अभी ले लिए हैं अभी ये वाला चौकी लिए हैं नया 1100 में ये पड़ा 11 अभी कच्चा है सारा कुछ सूखेगा तब अभी वजन ले लिए इमरजेंसी एक काम भी एक दो दिन में घर में लगेगा अपने घर में काम तो दोस्तों अभी हम लोग जैसे कि आप लोग पता है घर में काम लगने वाला है और बहुत जल्द आप सबके कृपा से 1500 बोले थे दोस्तों कितना हम लोग क्या 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 है तभी 1100 में दिए 900 अभी सभी लोग यही है बांध लिए थे तो चलिए इसको अंदर रखवाते हैं अनुज बाबू आंगन में रखते हैं मानसी किसका है आपका है तो अभी चौकी खरीद ली है और वहाँ रख दिए अभी साग खोट रही है कौन कौन ज्यादा घना हो गया ना दोस्तों इसलिए हम फाड़ के दे देंगे अनुज बाबू घर ले जाएंगे तो दोस्तों देखो काजल को बोला हूँ थोड़ा सा गाड़ी को साइड करने के लिए कर दो गिराएंगे तो दोस्तों आप देखिए तो कसम ना कर रही है चल ए लंगड़ी को बा लंगड़ी नाक मारी ना तो गिर जाए तो एक पगली करो छोड़ दो उजरा था कहाँ ले जाएगा बा दोनों लोग हुए वाले ब्रेक दबा के खींचा था लौट छोड़ दो बस बताओ ब्रेक और क्लच में पता भी नहीं है अनुज को भाई साहब इसी पे काजल करे थे चलाने के लिए बताओ हम कब कर लेना खतरे चलो उन्हें चौकी आंगना में रख दिया जाए तो दोस्तों चौकी आप लोग बताइए कैसा है हमें तो ठीक लगा 1100 में वो वाला चौकी हम जो खरीदे थे घर में बंद ना करो तेल महंगा फूका तारी जो हम लोग खरीदे थे ना अपना घर वाला वो वाला 4100 रुपये का था 1100 बताओ ये 1100 काफ़ी डिफरेंट है लेकिन वो वाला शीशो का उसका था शीशो और आम का और ये वाला है उसका क्या कहते हैं सेमर का तो मजबूती में देखा जाए तो वो सही है बट फिर भी क्या करना इस पर पूरा जिंदगी भर थोड़ा ना सोना है अभी तो काजल के लिए पलंग भी लेना है ना काजल डेली पलंग का वीडियो देखती रहती है काजल हम सब कहते हैं कि पहले घर बन जाए फिर पलंग देखना चलो काजल उठा अनुज उठाओ भाई कोटिया को टिकट भाई जगह ढंग से ठोकला हूँ ना सब बेचारा चौकी है वैसे ही में सड़न पकड़ लो मस्त गिरा लो आई लो उठा के लेके बैठते हैं ए कुर्सी हटा दे लो कुर्सी पर ढेर सामान में दू गो बावे अनुज बोल रहा है किसी स्टेट ना भाई हमारा ऐसा ऐसे रखा दे ऐसा ऐसे क्या ना कहो ना पूर्व पश्चिम बिछाई है जा कुर्सी है ना रखी ना ले आई कुर्सी है ना हेलो ना हेलो बिछाई ना हेलो बिछाई उन्हें सामने हेलो उन्हें लोग की क्या करते हैं पोलार दे मौरियों ने दे
उठा कर रख दे अब अच्छा हो गया दोस्तों, आप लोग भी आएंगे तो रह लेंगे यहाँ पर, कोई आते थे तो एक ही रूम में मतलब लेके जाके बैठो एक ही चौकी पर। रहा दे, अरे होने करी है चौकी अभी होने उठा कर रखे ना होने का शराम का उसे होने को होने को होने रहे ना कनाई को होने करी करी ना होने को रखा। हाँ अब हो गए सही, अब केरल मतलब यस यू आर जेनियस। तो दोस्तों अपना न्यू चौकी पर बैठ गए हम लोग, बहुत ही सुकून आ रहा है। काम लगने वाला है ना इसलिए खुश है, और यही गुड न्यूज आपसे शेयर करने वाले थे। तो हम लोग क्यों काम मतलब का ऐसा मतलब कैसा का है सब हम बताएंगे। हाँ वो चीज़ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको सारी अपडेट, जितना भी सस्पेंस आप लोगों को मन में हो रहा होगा, जो भी सवाल वो सब आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आप सब अभी तक हमारे ब्लॉग को देखे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो हम मिलते हैं आपसे एक अच्छे से प्यारा सा ब्लॉग के साथ, आप लोग कोई भी सवाल हो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।